सो वेलकम बैक टू माय चैनल इंपोर्टेंट लाइफ आईएलटेक। गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपी वर्सेस जीसी और ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन के बारे में। और भाई यहाँ पे जो कि हमारी फाइनल टीम क्या होगी, यानी कि अच्छी टीम जिसमें हम अच्छा खासा रैंक कर पाएंगे। और मैंने जो कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले जो कि एक टीम आप लोगों को प्रोवाइड की थी, काफ़ी बढ़िया रैंक कर रही है। और भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप यहाँ पे एक बार नजर मान लीजिए कैप्टन और वाइस कैप्टन। बट अभी ये मैच जो कि स्टार्ट हुआ, तो इस प्रकार का कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जो कि अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो वीडियोस के साथ एंड तक आपको जरूर बने रहना है। भाई यहाँ पे जो कि मैंने बताया कि आपका लॉस कवर करा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई यहाँ पे 33 रुपये वाला 8 रुपये में हमारा कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो रहा है और 25 वाला बिल्कुल फ्री में हो रहा है, 21 वाला बिल्कुल ही फ्री में हो रहा है भाई। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ आपको बताता हूँ, प्रेडिक्शन पिच रिपोर्ट क्या है और किस किस प्लेयर को हम अपनी टीम में रखने वाले हैं। वैसे अगर आप हम मैच डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है सिनमोन ऑफिसर वर्सेस गिंगर रेनल्स के बीच में जो कि मैच होने वाला है। अगर ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे जो कि आपको ग्राउंड मिलता है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि वहाँ पे स्टेट जेरिटल ग्रेनाडा में, ठीक है। और यहाँ पे मैच स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो कि आज के डेट में 11:30 बजे जो कि मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। और तो काफ़ी बढ़िया जो कि पिच की बात करें तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे टॉस करता है तो भाई बॉलिंग करने के लिए इस स्टेडियम में सबसे पहले सोचता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 130 रन बन जाते हैं भाई और फर्स्ट बैटिंग में फिर भी तो वो सेफ नहीं है। दूसरी जो कि बैटिंग होती है, यानी कि जो टीम होती है भाई वो लीड कर लेती है अच्छा खासा 130 140 रन तक। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई टॉस वॉन करता है जीतता है तो सबसे पहले वो बॉलिंग करने के लिए सोचता है। तो भाई यहाँ पे प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं दोनों टीमों में, तो आपको मिल जाते हैं सिनॉन पेसर जो कि टीम के प्लेयर, यहाँ पे मिका नैरन जो कि कैप्टन है, एली केथंजे, हेरोन कैंपेल, निशार चार्लिस, जावेद अजार, विकेट कीपर है निबो जोन, लेवेंग लेविस, केन मेचरन, केनरॉय पीटर्स, जेवेल स्टिपॉल और रेवेल विलियमसन। और जिंजन जर्जेसल की बात करें तो भाई रोनाल्ड कैटो कैप्टन है, बेंजामिन वावेल, चार्लिस रेयॉल, एडवार लैरी, प्रेसर मिचेल, जेरजू केवन है, मैथ्यू एनिल विकेट कीपर है, एमसी डोनाल्ड, डेनियल नेडरन, सुनील पास्कल नेरोन, रेडरिक निकोलस, जो कि यहाँ पे दोनों टीमों के मैंने आपको प्लेयर बताया और आज के टीम में भाई ये सब खेलने वाले हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे मस्त प्लेयर की बात करें, टॉप पिक जो कि आपको टीम में रखना ही है दोनों टीमों में बता रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पे सीपी यानी कि सिनमोन पेसर टीम के बारे में, तो यहाँ पे आपको हेरोन कैंपेल मिल जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया है, जो कि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भाई 25 बॉल्स 54 रन्स तो काफ़ी बढ़िया है भाई यहाँ पे। और अभी तक की बात करते हैं यहाँ पे 190 रन जो कि यहाँ पे बात करते हैं और 7 इनिंग यानी कि 7 मैचेस में 190 रन तक ये मार चुके हैं। और एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 27 जो कि एक मैचेस में ये बढ़िया खेल गए और एक मैचेस में यानी कि एक इनिंग में जो है 27.14 जो कि रन मार चुके भाई। और एलिक थंजे जो कि आपको मिल जाते हैं भाई, ये भी सीपी के प्लेयर हैं जो कि इनकी बात करते हैं यहाँ पे 288 रन जो कि 7 इनिंग में काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं। और एवरेज की बात करें तो भाई 57 रन एक मैचेस में, तो काफ़ी बढ़िया स्ट्राइक रेट की बात करें 190 का स्ट्राइक रेट है और जिनमें 3 फोर्स और 18 सिक्सेस हैं, तो काफ़ी बढ़िया है भाई एलिक थंजे। तो आपको रखना है अपनी टीम में और कैप्टेंसी हो सकता है एलिक थंजे को दें, ठीक है। भाई यहाँ पे जिंदर जनरल्स की बात करें यानी कि जीजी की, तो यहाँ पे रोनाल्डो कैटो जो कि इनके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 185 रन जो कि 7 मैचेस में और भाई यहाँ पे 30 रन जो कि हर मैचेस में ये मार देते हैं फिलहाल जो कि इनका रन रेट है। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 196 का इनका स्ट्राइक रेट है। और एमसी डोनाल्ड डेनियल की बात करें तो भाई जो कि अभी तक ये 3 मैचेस में यहाँ पे देख सकते हैं 78 रन प्लस 7 विकेट, तो काफ़ी बढ़िया भाई यहाँ पे ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। और भाई यहाँ पे जो कि मैंने एक जो कि डेमो बनाया आप लोग देख सकते हैं हेरोन कैंपेल, जो कि अगर आपको नहीं समझ आता 133 रन प्लस जो कि 91 पहले और उसके बाद 30 और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 52 और 59 48, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एले केथंजे 186 रन 23 88 5 73 122, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। काफ़ी बढ़िया जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन दिया और इससे अच्छा बेटर होगा कि हम प्लेयर को सेलेक्ट करें ड्रीम इलेवन टीम पे चल करके ड्रीम इलेवन पे। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और भाई यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टीम को। अब आपको जो कि यहाँ पे कैप्टन के तौर पे किसको बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ऑलराउंडर और सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, जो कि नारायण के बारे में मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया प्लेयर रिसेंटली पुमा में आप देख सकते हैं, जो कि रिसेंटली देखें अगर यहाँ बात करते हैं यानी कि जो 7 जून की, तो 15 रन जो कि यहाँ पे हैं और 1 सिक्स की मदद से। और उसके पहले वाले की बात करें तो भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं और उसके पहले वाला मैच रद्द हो गया था आप सभी लोगों को पता है बारिश की वजह से, 25 रन जिसमें 3 छक्के 1 चौके की मदद से और 1 विकेट भी है, तो काफ़ी बढ़िया विकेट कीपर के हिसाब से हम इसे रख लेंगे। और पीटर्स भी यानी सॉरी ऑलराउंडर के हिसाब से और पीटर्स भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, हम यहाँ पे ऑलराउंडर जगह सेलेक्ट कर लेंगे। और रिसेंटली परफॉर्म आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो कि बंदे ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया भी खेला, 3-3 विकेट लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, हम सेलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा भाई। और एमसी डोनियल की हमने बात की थी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जीजी के प्लेयर हैं और रिसेंटली परफॉर्म की बात करते हैं तो 12 रन प्लस 3 विकेट काफ़ी बढ़िया भाई। और इसके बाद यहाँ पे उसके पहले की रिसेंटली परफॉर्म की बात करें 26 रन प्लस 2 विकेट और जिसमें 3
3 शामिल है भाई। तो कतई जहर भाई प्लेयर है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टीम में, ठीक है। और बैट्समैन की बात करें तो भाई यहाँ पे कुछ मिल जाता है अथंजे, जो कि मैंने बताया था, अथंजे को भी आपको सेलेक्ट कर लें। रिसेंटली परफॉर्म जो कि कुछ खास रहा नहीं, बट बंदा बहुत खास है जो कि अगर खेल जाता है तो काफ़ी बढ़िया रहा, रोहित शर्मा के जैसा बंदा खेलता है, तो आप रख लीजिएगा। और ओपनर भी उतरता है सीपी टीम से, तो काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं। और 9 रन जो कि मारे थे पिछले मैचेस में, और काफ़ी बढ़िया यार, बहुत बहुत बड़ी बड़ी हिट जो कि अपनी टीम के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया बंदे ने खेला 78 रन, तो काफ़ी लंबी लंबी पारी खेली थी बंदे ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और कैटो को भी हम रख लेते हैं, कैटो भी काफ़ी बढ़िया अपनी टीम का कैप्टन है भाई। और रिसेंटली परफॉर्म की बात करते हैं, 33 रन प्लस 3 प्लस 2 छक्कों की मदद से, तो काफ़ी बढ़िया ही कह सकते हैं। और उसके पहले वाले की बात करते हैं भाई, 45 रन जिनमें 2 हैं और 5 छक्के हैं, तो काफ़ी बढ़िया ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैटो को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और वावेल भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, और हैंग कैम्पेल, ठीक है, जो कि हमने इतने प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद आपको बहुत सारे प्लेयर मिल जाता है, 2-3 टीम बनाते हैं तो आप यहाँ पे से मैनेज कर सकते हैं 40 वगैरह को, जो कि ले सकते हैं, अब मौका दे सकते हैं अपनी टीम में, ठीक है। और देंगे भाई हम यहाँ पे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्रेडिट मेंटेन करना है, ओके। यहाँ पे वावेल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया भाई, वावेल भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, बट वावेल को जो कि हम यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे देख सकते हैं और 40 को ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। और कैम्पेल को देखेंगे तो कैम्पेल का जो कि रिसेंटली परफॉर्म तो काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं, 54 रन, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। और बाकी क्रेडिट मेंटेन होने के बाद जो कि हम अपनी टीम को मैनेज कर लेंगे। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल वाली जो कि टीमें फाइनल टीमें प्रोवाइड की आपको टेलीग्राम पर, तो उसी प्रकार से अगर आफ्टर अनाउंसमेंट कुछ चेंजमेंट होता है तो आपको टीमें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ठीक है। और लैरी की बात करते हैं भाई, यहाँ पे जो कि लैरी काफ़ी बढ़िया बॉलर है, एडवर्ड लैरी, और काफ़ी बढ़िया विकेट निकालता है बंदे, यहाँ पे देख सकते हैं हर मैचेस में जो कि बंदे की विकेट रहती है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया ही प्लेयर, ज़्यादा जो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। विलियमसन भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई निकलस, ठीक है, जो कि हमने जाना था निकलस के बारे में। और यहाँ पे हर बंदा हर मैचेस में विकेट लेता है, और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जो कि विकेट अपने टीम के लिए 4 विकेट बंदे ने लिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक जो कि हम बॉलर को कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो वो सोचने और समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टीव पॉल, और दूसरे ऑप्शन है आपको नेलोन। नेलोन काफ़ी बढ़िया है जो कि स्टीव पॉल से लेकर के, और रिसेंटली परफॉर्म की बात करें तो बंदा यहाँ पे देख सकते हैं 2 विकेट निकाली थी, और काफ़ी बढ़िया ही कह सकते हैं प्लेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नेलोन को। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि 4 बॉलर हो जाएंगे, और विकेट कीपर के हिसाब से जो कि आप सोच रहे हैं पे हजार्ड को लेने के लिए या तो एमएनएल को, तो एमएनएल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जो कि हम एमएनएल की तरफ जाएंगे, जो कि मैथ्यू वनील है भाई। तो यहाँ पे मैथ्यू वनील एक हिसाब से सही विकेट कीपिंग करते हैं, और काफ़ी बढ़िया रन भी मार देते हैं हैजार्ड से, तो काफ़ी बेस्ट रहेंगे, तो यहाँ पे हम एमएनएल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी क्रेडिट मेंटेन नहीं होता तो आप हैजार्ड की तरफ जा सकते हैं। तो भाई कैप्टेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर होती है, तो यहाँ पे अथंजे जो कि मैंने बताया था, अथंजे को जो कि हम कैप्टेंसी देंगे, और डोनाल्ड डेनियल को आप दे सकते हैं, या तो आप रेटो को दे सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एमसी डोनाल्ड डेनियल जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, और इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है, बंदर विकेट भी काफ़ी बढ़िया ले रहे हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो बना लीजिए। और दूसरी जहाँ पे हमारी फर्स्ट टीम इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हमने अथंजे को कैप्टन और वाइस कैप्टन कैटो को बनाया। और दूसरी टीम अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं इस प्रकार से, जो कि अथंजे को कैप्टन बना दीजिए, वाइस कैप्टन डोनाल्ड डेनियल को बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, या तो आपके पास नारायण भी काफ़ी बढ़िया भाई ऑलराउंडर है अपनी टीम की तरफ से, नारायण को भी वाइस कैप्टन बना दीजिए, और कैप्टन एमसी डोनाल्ड डेनियल को बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ गया हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी टीम जो कि फाइनल वाली भाई, आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। और विकेट कीपर में हमने एमएनएल को लिया है, अथंजे और कैटो चार्लेस जो कि बैट्समैन है, ऑलराउंडर जो कि नारायण पीटर्स डोनियल एमसी डोनाल्ड डेनियल हैं, और बॉलर जो कि हमने विलियम्स को लिया, एलरी को लिया, और आर निकलस के लिया, और पी नेलोन के लिया, ठीक है। तो बाकी भाई यहाँ प्रेडिक्शन है, और इस प्रकार से अगर आफ्टर अनाउंसमेंट कुछ चेंजमेंट हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे जो कि प्रोवाइड कर दूंगा टीमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दें ऐसे ही प्रेडिक्शन देखने के लिए। तो प्रेडिक्शन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं भाई, और वीडियोज़ को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।